उत्तर प्रदेश की सियासत में पिछले 24 घंटे में टीवी और सोशल मीडिया पर ऐसे खबरें चली कि मानो यूपी में बीजेपी खत्म हो गई है और बाबा योगी की कुर्सी जानी तय है। कुछ लोगों ने जमकर ख्याली पुलाव पकाए और विपक्षी दलों ने इस पर खुश होते हुए जश्न मनाया, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही विपक्ष की ये खुशियां काफूर हो गई, क्योंकि ये तय हो गया कि यूपी में बाबा ही बने रहेंगे और अगला चुनाव भी उनके नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। यूपी में गुटबाजी करने वालों को दिल्ली बुलाकर न सिर्फ डाटा फटकारा गया, बल्कि सोशल मीडिया पर फर्जी माहौल न बनाने की भी चेतावनी दी गई। अब 24 घंटे में ही यूपी में ऐसा बदलाव आ गया है कि विपक्षी खेमे में सन्नाटा पसर गया है। दरअसल बीजेपी के अंदर चल रही इस तनातनी पर अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए एक्स पर एक पोस्ट किया और लिखा कि भाजपा की कुर्सी की लड़ाई की गर्मी में उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है। तोड़फोड़ की राजनीति का जो काम भाजपा दूसरे दलों में करती थी, अब वही काम वो अपने दल के अंदर कर रही है, इसलिए भाजपा अंदरूनी झगड़ों के दलदल में धंसती जा रही है। जनता के बारे में सोचने वाला भाजपा में कोई नहीं है। अब अखिलेश ने जैसे ही ये ट्वीट किया तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश को टूक टूक जवाब दे दिया है। उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उसी एक्स पोस्ट में जवाब देते हुए लिखा, सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी, भाजपा की देश और प्रदेश दोनों जगह मजबूत संगठन और सरकार है। सपा का पीडीए धोखा है। यूपी में सपा के गुंडाराज की वापसी असंभव है। भाजपा 2027 विधानसभा चुनाव में 2017 दोहराएगी। दरअसल उत्तर प्रदेश में आम चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद इस बात की चर्चा तेज हो गई थी कि राज्य में बीजेपी संगठन और सरकार के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इन चर्चाओं के बीच उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और राज्य बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी सोमवार को दिल्ली पहुंचे थे। दोनों को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तलब किया था। इसी बैठक के मद्देनजर कुछ लोगों ने ख्याली पुलाव पकाने शुरू कर दिए और मीडिया में यूपी में कुछ बड़ा होने वाला है जैसे शगुफे छोड़े जाने लगे। इन्हीं सब खबरों को देखकर उत्तर प्रदेश में अखिलेश जैसे नेताओं को लगा कि बाबा की छुट्टी होने वाली है और यूपी बीजेपी में गुटबाजी चरम पर है। लेकिन 24 घंटे में ही पासा पलट गया। जिस नेता को योगी के खिलाफ माना जा रहा था, उसी नेता ने फ्रंट फुट पर आकर अखिलेश यादव को तगड़ा जवाब दे दिया। इससे साफ है कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ सामान्य हो गया है और दिल्ली से मिली डांट के बाद गुटबाजी करने वाले नेता भी ठीक हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज़। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।